हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली यदर है। मेरा नाम है। तो आज हम देखेंगे कपिल शर्मा शो। पहले भी हम देख चुके हैं और बड़ा हमें पसंद आता है इनकी कॉमेडी, इनकी जोक्स जो होते हैं ना, दूसरे को चेस्टे मारते हैं, ये बड़ा मजा आता है। अभी आपके साथ देखते हैं इस बार वो क्या करते हैं। तो प्ले करें जी। हेलो सिद्धू साहब, कैसे हैं आप? वेलकम। देखते ही देखते साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला ना। अभी तो पिछले साल का हैंगओवर भी ठीक से नहीं उतरा था, फुटुक से नया साल आ गया। नया साल आ रहा है तो जाहिर सी बात है शांतिमन सोसाइटी में भी जश्न होना चाहिए, इसीलिए पुष्पा नानी ने आज मीटिंग रखी है। कम ऑन, मीटिंग के लिए। टन 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 20 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए और छुट्टी आज हुई है, बताओ है? निकाले हुए बोल, और तुझे तो धक्के देकर निकाला होगा। पता है मुझे क्यों निकाला था? क्यों? क्योंकि मैंने 7 साल की उम्र में ना 15 साल की उम्र वाली गाली देते थे। वो गाली मुझे अभी भी याद है। 2 ऑडिशन भी हो गए हैं। सुना दो तुमको, मैं सुना दो। तू लेडीज को गाली देगा? लेडीज पर नहीं, जब लेडीज की ड्रेस चेंज करके जेंट्स बनेगी ना, मैं तब गाली दूंगा तुमको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी पाए लागू। अच्छा मोदी जी, मैंने सुना कि आपकी रैली में 7 लाख लोग इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ जी, अगर उनकी चाय का जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे दे दें। हाँ जी, मैंने चाय उनको बहुत अच्छी पिलानी है कि उनका दिल खुश हो जाना है। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब तो लखपति थप्पड़पति बन जाओगे। क्यों? तुम्हारी गंदी चाय पी के 7 लाख लोग तुम्हें थप्पड़ मारेंगे ना एक साथ, तो फिर तो तुम बनोगे। आपके पास 20 रुपये हैं? मेरे पे नहीं। देखो, फोटो पे माला चढ़ाने के पैसे आपके पास है नहीं है, जवान लड़कों के साथ पंगा ले रहे हैं आप। जवान लड़के? तो मेरे पास 10 रुपये है। हाँ, जवान लड़के के पास 10 रुपये है। तो अपनी फोटो की चलो माला मैं चढ़ा दूंगा, समझ आई तुमको? एक ना एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन के मेहमान हो तो मैंने इंजेक्शन इधर लगाया नहीं, ऊपर तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग चुड़ैलों के साथ तय हो जाएगी। तो पहले कौन सा मैं नॉर्मल लोगों के बीच में रह रहा हूँ, आप खुद बताइए। ऐसे इंसान होते हैं? ऐसे बाल कौन रखता है? आपको पता है ये हेयर कट कैसे लेते हैं? ऐसे बाल अपने पकड़ते हैं, देखते हैं मुंह तक आगे। चलो जी। मुझसे ज्यादा बहस नहीं करनी, मेरा पता है ना तेरे को? क्या पता? क्या पता है आपका? 4/8 है, मेरा पता नहीं पता तेरे को? यहाँ पे डॉक्टर साहब, बेड नंबर 3 का पेशेंट हमें छोड़ के चला गया है। हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। उसने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था। बहुत बुरा हो। आप इतना हक्का बक्का भौचक का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? हमें छोड़ के ऊपर नहीं गया है वो, वो हमारा हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है, पर अपने साथ पता नहीं कैंची, ग्लूकोज, थर्मोमीटर सब लेकर भाग गया। हे भगवान, वो तो बहुत कुछ देख के चला गया। अब तुम उसको देखना। नानी, उसके बारे में कुछ तो बुरा बोल। हे भगवान, उसे तेरा जैसा डॉक्टर मिले। अजीब शक्ल वाले आदमी ने भिखारी का कटोरा छीना, भिखारियों की यूनियन ने पकड़ के कुत्ते की तरफ पीटा। अजीब सी शक्ल वाले जानवर की शक्ल किसी डॉक्टर से मिलती पाई गई। उल्टी बात करने वाले पेशेंट की नाक में उंगली घुस चढ़ के डॉक्टर ने उसको जमीन पे पलटा। वाह वाह वाह, क्या खबरें पड़ी जा रही है। गुस्से में किसी की खबर ना खो तुम्हें। मजाक बहुत हो गया, सीरियस बातें करें। नहीं नहीं, क्राइम पेट्रोल आने में भी टाइम है, हमारा शो 1 घंटा और चलेगा। बात नहीं करनी। आप लोगों को पता है मैंने सोसाइटी की मीटिंग क्यों बुलाई है? सोसाइटी के कुछ अहम मुद्दे हैं जिसका हमें आज फैसला लेना है। अरे दादी, कैसी बातें कर रहे हो? सबसे सीनियर तुम हो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर थोड़ी होगा। भाई सुनिए गाइस, मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे शाहरुख खान का चेकअप करना है। या ये मीटिंग है मेरी। टिंग टांग, ये देखो मोदी साहब का मैसेज आ गया है।
कहते मीटिंग कर लो मीटिंग कर लो। हाँ आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ, मुझे डॉक्टर नीने के साथ मीटिंग है कि माधुरी दीक्षित को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ। मेरी भी सोनी टीवी में मीटिंग है आज। क्या मीटिंग अबे? अभी थोड़े दिन पहले लोगो चेंज किया था ना सोनी का, अभी कुछ लोग चेंज करने मुझे। अरे मुझे अभी मैसेज आया है, शाहरुख खान इज फीलिंग बेटर। मोंटी जी का मैसेज आया था, मैं मोदी जी का समझ रहा था। और देखिए आप दोनों की वजह से फालतू में मुझे नेने के देने पड़ जाते हैं, मुझे तो कोई काम ही नहीं है। आई एम फ्री। सॉरी नानी, आने में लेट होगी। चलो लेट्स स्टार्ट सोसाइटी मीटिंग। चलो 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 मीटिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तेरे थप्पड़ मारना सोसाइटी के लिए कुछ किया तो। ये सोसाइटी मेरी माँ है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जान भी दे सकता हूँ, बनियान तो आपने मेरी वापिस नहीं की अभी तक। यही आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से 2016 खत्म हो रहा है, वरना एक डेढ़ महीने और चल सकता था अभी। बस बहुत हो गया, सोसाइटी की मीटिंग शुरू करने के लिए फटाफट तशरीफ रखो, वरना सबकी तशरीफ पर मैं कुछ ना कुछ रखूंगी। चलो 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 चलो। ये हुई ना बात, जो मेन बात थी। हाँ बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। सीनियर लोग खड़े हैं और तुम बैठे हो। और देश के सीनियर खड़े हैं तो देश के जूनियर बैठे हैं ना। ठीक है, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। चलो ओके, जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम। म्यूजिक शर्मा जी, थोड़ा देख के, पूरा देख के। Let's be humble, चलो अपनी अपनी तशरीफ निकाल के बैठ जाओ। ठीक है चलो बैठ जाओ। ओके तशरीफ में कहाँ रख लिया आपने? हवा में। ओके मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं ऐसे कैसे मीटिंग शुरू करते हैं? मीटिंग शुरू करने के लिए चेयरमैन होना चाहिए ना। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? चेयरमैन चेयरमैन जिस मैन के पास चेयर होता है वो चेयरमैन होता है। कम ओहो, देखिए ना आज मुझे अपने केमिस्ट्री टीचर की कितनी याद आ गई। क्यों? वो मेरे कप्पू जैसा लगता था। नहीं वो भी जो कुछ कहता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ आप लोग सब लड़ो मत, मैं चेयरमैन बन जाऊंगी। अच्छा कान खोल के सुन लो, इस सोसाइटी में सबसे पुरानी मैं हूँ। अनडाउटेडली। अरे यार पुराने नोट बंद हो गए, तुम क्या खुल रही हो? जाके बैंक में जमा हो। मैं ऐसे गिर गया बिना मारा। ठीक है यार क्यों आप लोग ऐसे चिल्ला रहे हो? मेरी बात सुनो, आप सब में से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो इस सोसाइटी का जो चेयरमैन है आप मुझे बनाना चाहिए। वेरी गुड, इसी बात पे रिस्पॉन्सिबल के स्पेलिंग हो जाए। शाबाश शाबाश, चल चंदू बोल दे। 10-15 मिनट और सोच लेते हैं। चैनल एक एक मिनट का हिसाब लेता है मेरे साथ। 10-15 मिनट में थप्पड़ मारो मेरे। जल्दी जल्दी स्पेलिंग बताओ क्या है रिस्पॉन्सिबल के। रार आको एक ही मात्रा पॉसिबल। किस तरीके से तूने स्पेलिंग बताया ना, तू चेयरमैन नहीं चल मुर्गा बन जा आगे। आम मुर्गे की स्पेलिंग सुनाओ। TASTY। ये तो टेस्टी हुआ। तो टेस्टी होता है। तूने खाया कभी? वैसे खाता तो मैं भी नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था। हमें मुर्गा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे शाही आलू खा लेते हैं। शाही आलू कौन सा होता है? तेरे आलू के साथ चार सिपाही तलवारें लेके आते हैं शाही आलू। अरे ये शाही आलू मतलब क्या? शाही पनीर तो मैंने सुना हुआ है। हाँ वो भी इन्होंने सिर्फ सुना ही है, खाया इन्होंने भी कभी नहीं। मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दा ये है कि चंदू टी स्टॉल को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। ऐसे कैसे निकाल दिया जाए? मेरे पास एक आइडिया है। क्या उपाय है? स्पेलिंग पूछ लेंगे। मेरी चाय के टपरी से के सामने जो आपकी सोसाइटी है इसको हटाया जाए। वाह। देखो भाई चंदू, व्हाटएवर इट इज, हम और CM यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से अपनी चाय की दुकान हटा लो। CM? चेयरमैन। और तो पहले PM साहब से तो पूछ लो। प्रधानमंत्री? नहीं नहीं मेरे डैडी प्यारे मोहन।
पैसे उन्हीं के लगे हैं ना। इसे क्या है चंदू, यहाँ से वहां तक ना आने में मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है, तो मेरे इन हाथों के बीच में अपना चेहरा जरा ले आओगे? I want to hit you double sided थप्पड़। देखो हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से तो कप्पू के नाना भटके थे जो ऐसी मुद्दी से शादी की। मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता, कुछ नहीं होता, इससे बुरा तो कुछ नहीं होता। ये जो सबसे ऊपर खड़ा रहा, सबसे बुरा यही होता है। बस 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 बहुत हो गया। मेरा मुद्दा सुन लो, मेरा मुद्दा ये है कि कप्पू की शादी हो और मुझे पोता चाहिए। इससे पूछो फिर। एक्सक्यूज मी, ओ हेलो, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहां है? नहीं मिलती मतलब क्या? मुझे देख, तेरे नाना को मैं नहीं मिली थी क्या? नानी हर किसी किस्मत ऐसी थोड़ी ना होती है जैसे तेरे जैसे टू इन वन जीवन साथी मिले। मेरे नाना कहती 6 महीने मैं आपकी पत्नी, 6 महीने आप मेरी पत्नी। वाह यार बहुत कॉमेडी कर रहे हैं यार, ये तो एक से बढ़ के एक, एक मतलब फेंक रहा है तो दूसरा उससे भी ज्यादा फेंक रहा है। वो बोलता है मैं शाहरुख खान का चेकअप करने जा रहा हूँ। वो चाय वाला बोलता है मुझे मोदी जी ने मैसेज किया है चाय लेकर आ। यार क्या बनी है। और वो मोटे खुसरे वो चर्चा मारा बोलता है इसने सिर्फ नाम सुना है खाया नहीं है। क्या यार वाकई यार ये शो बड़ा कमाल का है। इसमें जो कॉमेडी के जोक्स है ना बहुत आसान है यार, मजा आ गया। भाई जोक्स भी अलग के मजे वाले हैं और इनकी बातें ही बड़ी कमाल की है यार, बड़ा मजा आ रहा है। ये वाला शो है ना भाई जबरदस्त है, एक हर बात पर हंसी है भाई, हर बात में। ये डॉक्टर है ना ये पागल है भाई, डॉक्टर नहीं है। इनको पहले देखा भिखारी बना हुआ है, फिर भाई शाहरुख खान से बातें कर रहा है, अभी ये कह रहा है मैं चेकअप करने जा रहा हूँ। यार बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें भी हंसी आ रही है यार, बहुत मजा आ रहा है। शादी अम्मा है तो वो तो डरावनी है, वो डॉक्टर साहब है तो उसका तो क्या कहना है भाई। वो तो ऐसा फेंकता रहता है शाहरुख खान के मेरे पास जा रहा हूँ। वो बोलता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया चाय पिलाने के लिए। यार एक से एक कमाल कर दिया यार आज, ये ऐसा जिंदगी में मैंने शो नहीं देखा है भाई। ये इतने सारे हंसा दिन ये सब मिलजुल कर मजा आ गया देख। मजा आ गया यार, ये पहली बार शो देखा है, मजा आ गया। सबसे पहले डॉक्टर को भाई मैं तो लाइक दूंगा, वो अच्छा है भाई, कमेडी अच्छे करते हैं, मजा आ गया। सही बात है दोस्तों, बड़ा हमने इसको एंजॉय किया इस शो को। अभी अगर इसका आगे का सीन मिला, आगे का पार्ट मिला तो वो भी आपके साथ देखेंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।